जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको पहले आप कलेक्ट करें, बेसिकली स्टोर होता है जो भी, जहाँ से भी वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्टोरेज के बाद में आप उसको कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं कलेक्शन के, कुछ जगह पे डायरेक्ट मेथड्स में बेसिकली हाउस टू हाउस कलेक्शन कुछ जगह पे होता है, कहीं पे आपका जो म्यूनसिपल के बड़े वाले जो डस्टबिन होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग, या फिर पेपर बैग्स में जो भी मटेरियल है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ पे उसको डिस्पोज किया जाएगा। अब डिस्पोजल की भी टेक्निक्स हैं अलग अलग, जैसे डंपिंग है, डायरेक्ट डंप किया जाता है। आपने अपने सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई हैं। कंट्रोल टिपिंग होता है, या जिसको सैनिटरी लैंड फिलिंग बोलते हैं, इंसिनरेशन होता है, बेसिकली उसको बर्न आउट करके उसका जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। इंसिनरेशन हमने जब बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ा था वहाँ पर भी हमने इंसिनरेशन पढ़ा था। कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्टिंग में भी आगे फर्दर दो मेथड होते हैं, एक एरोबिक हो गया, एक नॉन एरोबिक हो गया, जिसमें मैकेनिकल और या बेंगलोर मेथड, इस तरीके से दो में डिवाइड करते हैं। मैन्योर पिट्स बनाई जाती हैं ताकि जो भी वेस्ट है उसको हम रीयूज कर सकें, और ब्यूरियल, इस तरीके से इनके अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस यस मैम। मैम। ओके, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो सॉलिड वेस्ट में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो दैट इज कलेक्शन, ट्रीटिंग, डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड मटेरियल दैट इज डिस्कार्डेड बिकॉज इट हैज सर्व इट्स पर्पस एंड इज नो लॉन्गर यूजफुल, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर डिस्पोजल की बात करें, तो जहाँ पे भी अगर म्यूनसिपल वेस्ट के या सॉलिड वेस्ट को हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं, तो उन कंडीशन में अनसेनिटरी कंडीशन अपियर हो जाती हैं, एंड दीज कंडीशन इन टर्न कैन लीड टू द पोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली हम इन्वायरमेंटल कंडीशन को हाइजीन, हाइजीनिक पर्पज से, मतलब हाइजीनिक लेवल पे उनको अप टू द ऑप्टिमम लेवल रख सकें, ताकि जो सराउंडिंग के पर्सन हैं उनकी लाइफ कंफर्टेबल रहे, तो उनके लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट को अगर आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो अनसेनिटरी कंडीशंस हो जाएंगी, ये इन टर्न देन कैन लीड टू पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड टू द आउटब्रेक्स ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, ठीक है। इसीलिए जब भी जैसे बारिश का सीजन आता है, मानसून आता है, तो ऐसे बहुत सारी एडवाइजरीज दी जाती हैं कि आपको वाटर कलेक्शन नहीं होने देना है, वेस्ट कलेक्शन कहीं जगह पर भी नहीं होने देना है, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट आपका ये इन्होंने बोल दिया कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हो जाती हैं, दूसरा ये जो भी वेस्ट होता है ये नॉर्मल फ्लो ऑफ वाटर या सीवेज उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। जिससे वहाँ पे पर्टिकुलर जैसे ओवरफ्लोइंग सीवेज जो रहते हैं वो हो गया, या फिर प्रॉपर अगर फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो रहा है तो एक जगह पे स्टेग्नेशन हो गया, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। द टास्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंजेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको प्रोसेस करने के, अलग अलग टाइप का जो वेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। दे ऑल्सो पोज अ वाइड वेराइटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम दैट मस्ट बी मैनेज्ड एंड सॉल्व। सॉलिड वेस्ट की टर्म की बात करें तो सॉलिड वेस्ट में बेसिकली आता है आपका गार्बेज, ठीक है। इसके अलावा आपका रबिश, रबिश में बेसिकली आपके जितने भी चीज़ें, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, वुड है, मेटल है, या जो कंटेनर्स हम फेंक देते हैं वो हो गया। फिर उसके बाद आता है डिमोलिशन प्रोडक्ट्स, जैसे आपका ब्रिक्स हैं, मशीनरीज हैं, पाइप्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट रेजिड्यू, जिसमें आपका स्लज और सॉलिड आता है जो कॉरस से लेके जो आपका जो क्लीन आउट करते हैं वो हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, मैन्योर्स हो गए। इसके अलावा और जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल है एक्सेप्ट नाइट सॉयल, ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको छोड़ के बाकी जितना भी मटेरियल है उसको हम सॉलिड वेस्ट में काउंट करते हैं। डेली आउटपुट जो सॉलिड वेस्ट है उसका डिपेंड करता है आपके डाइटरी हैबिट्स पे, लाइफस्टाइल पे, अर्बनाइजेशन पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है। पर कैपिटा सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो 0.25 से लेके 2.5 kg पर कैपिटा जो सॉलिड वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है अलग अलग कंट्रीज में। टाइप ऑफ वेस्ट की बात करें तो आपका सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड है, गैसियस वेस्ट है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट है, आपकी कमर्शियल है, बिजनेस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, बल्की वेस्ट है। इस तरीके से आप वेस्ट को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट की इफेक्ट्स की बात करें तो क्या होगा, इन जनरल की बात करें तो सॉलिड वेस्ट को अगर प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया जाए एंड अलाउड टू अक्यूमुलेट, देन दे मे क्रिएट अनसेनेटरी कंडीशन। इन जनरल आपको पता है कि कहीं पे भी अगर वेस्ट कलेक्टेड है तो वो अनसेनेटरी कंडीशंस कॉज कर देता है। इसकी वजह से एपिडेमिक आउटब्रेक्स हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे डिजीजेज हैं, जैसे कॉलरा है, डायरिया है, डिसेंट्री है, प्लेग है, जॉन्डिस है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये स्प्रेड हो सकते हैं और बहुत सारे जो ह्यूमन लाइफ को हम लूज कर सकते हैं।
हैं. एडिशन में बात की जाए तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज अ हेल्थ हैजार्ड फॉर द वर्कर्स ऑल्सो हु कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट. इम्पैक्ट और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है. ठीक है, अनकलेक्टेड वेस्ट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द स्टॉर्म वाटर रन ऑफ रिजल्टिंग इन फ्लड. ठीक है, जैसे बहुत बार होता है कि जो म्यूनसिपल एरिया जो कमेटी होती है वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करती है ड्रेनेज की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटीरियल अक्यूमुलेटेड हो जाता है जिससे वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से फ्लड आ सकती है. ठीक है, लो बर्थ वेट, कार्सिनोमा, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नोजिया, वॉमिटिंग. ठीक है, ये जो हेल्थ हैजार्ड्स इन्होंने बताए हैं या डिजीजेज बताई हैं वो बेसिकली इस वजह से हैं क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूसली ऐसा जो जहाँ पे वेस्ट अक्यूमुलेटेड रहता है वो धीरे धीरे वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है, मतलब वहाँ से सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, अगर लगातार ऐसी कंडीशंस में लोग रह रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं जो ऐसे वाली जगह पे जहाँ पे सीवेज का पानी जा रहा है, या फिर बहुत सारे जो अब नेक्स्ट जैसे हम डिस्पोजल की अलग अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे डंपिंग यार्ड्स हैं या और भी जहाँ पे हम इंसिनरेटर की ऐश आसपास जा रही है तो वो क्या है, वो धीरे धीरे वो पोल्यूशन की उनकी बॉडी को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है. और सूनर और लेटर ये सारे जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं, टॉक्सिसिटी है आपकी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन है, लो बर्थ वेट है, ये सारी की अकरेंस हो जाता है. अच्छा, अब बेसिक सोर्स और टाइप ऑफ वेस्ट और जो सॉलिड वेस्ट कैसा होगा वहाँ पे, तो उनके बारे में अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल में कहाँ से कलेक्ट होता है, बेसिकली सिंगल और मल्टीपल फैमिलीज जहाँ पे रहती हैं. इसमें आपका फूड वेस्ट होता है, पेपर कार्डबोर्ड हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, टेक्सटाइल है, यार्ड वेस्ट है आपका, वुड एशिज है और स्पेशल वेस्ट है. इंडस्ट्रियल की बात करें तो लाइट एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, पावर और केमिकल प्लांट्स हैं. तो इससे हमें क्या कौन सा वेस्ट मिलता है, हाउसकीपिंग वेस्ट होता है आपका, पैकेजिंग का वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो मटेरियल्स होते हैं, इसके अलावा हैजार्डस वेस्ट जो है वो भी इंडस्ट्रीज से कलेक्ट होता है. कमर्शियल्स की बात करें जैसे आपके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आपके स्टोर्स हैं, मार्केट हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ से जो कलेक्टेड वेस्ट वो पेपर है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, वुड है, फूड वेस्ट है, ग्लासेस हैं आपका, डिफरेंट मेटल्स हैं, और स्पेशल वेस्ट जो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कमर्शियल जो भी एमिनिटी है उसके अकॉर्डिंग. इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जैसे स्कूल, प्रिजन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, तो जैसे कमर्शियल में कलेक्ट होता है वैसे ही सिमिलर यहाँ पे होता है. बायोमेडिकल वेस्ट इज अ वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हॉस्पिटल वेस्ट की बात करते हैं. जो आपका जो सॉलिड वेस्ट में जो हॉस्पिटल वेस्ट आता है जैसे पेपर, ये आपके रिफ्यूजेस हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सब इसके अंडर आते हैं. कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन की बात करें तो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट है, न्यू कंस्ट्रक्शन साइट है, रोड रिपेयर हो रहा है, रिनोवेशन हो रही है, या फिर जो डिमोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग्स हो रही है, तो वहाँ से हमें वेस्ट मिलता है, वुड है, स्टील है, कॉन्क्रीट है, डर्ट है. म्यूनसिपल सर्विसेज की बात करें तो जैसे स्ट्रीट क्लीनिंग है, लैंडस्केपिंग है, आपके पार्क्स हैं, बीचेस हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, तो वहाँ से हमें वेस्ट मिलता है. स्ट्रीट स्वीपिंग जो भी स्ट्रीट से जो भी कलेक्शन होता है वो ट्री ट्रिमिंग्स जो रहती हैं, जो ट्रीज को कट किया जाता है, जनरल और अदर वेस्ट ऑफ पार्क्स है, रिक्रिएशनल एरियाज का जो बेसिक वेस्ट होता है, और जो स्लज होता है वो ये आपके म्यूनसिपल सर्विसेज से जो कलेक्टेड वेस्ट है. प्रोसेसिंग की बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं तो वहाँ पे हैवी लाइट मैन्युफैक्चरिंग है, पावर प्लांट्स हैं, मिनरल एक्सट्रैक्शन जहाँ पे होता है, केमिकल प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, तो यहाँ से बेसिकली हमें इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसिंग से जो वेस्ट बनता है वो हमें कलेक्ट होता है, और जो स्क्रैपिंग मटीरियल्स होते हैं वो हमें कलेक्ट होते हैं. एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें वहाँ पे मिलता है क्रॉप से, ऑर्कर्ड से, डेयरी से, फार्म से, यहाँ से मिलता है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्पॉइल्ड फूड मिलेगा, एग्रीकल्चर वेस्ट मिलेगा, हैजार्डस वेस्ट जैसे वहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो हैजार्डस वेस्ट में आता है, वो हमें वहाँ से मिलेगा. तो इस तरीके से हमारे अलग अलग सेक्शंस के जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं वहाँ से हमें अलग अलग टाइप का वेस्ट जो है हम कलेक्ट करते हैं. अब ये जो वेस्ट है, अब इसके वेस्ट की अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है आपका स्टोरेज. ठीक है, तो स्टोरेज में बेसिकली जो अलग अलग जगह पे जो स्टोरेज के जो डिफरेंट मेथड्स हैं तो उनके बारे में बात होती है कि जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है उसको किस तरीके से आपको स्टोर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट आपका स्टोरेज में जो भी जहाँ पे भी आपका जो प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से आपको फर्स्ट है आपका गैल्वेनाइज डस्टबिन्स हैं, जो वेस्टर्नाइज जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे आपको गैल्वेनाइज डस्टबिन्स में आपको जो भी आपका वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका पब्लिक बिन्स. पब्लिक बिन्स में बेसिकली जो बहुत बड़े बड़े डस्टबिन्स होते हैं
हैं वो आपने देखे होंगे, पब्लिक मीन्स अपने जो इंडिया में होते हैं बेसिकली, वो वहाँ पे कवर्ड अप नहीं होते हैं, ठीक है। और एक जो कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं अप्रोक्सीमेटेड 2 इंचज का, उसके ऊपर नॉर्मली वो पब्लिक बीन्स रखे जाते हैं, और जो भी हाउस होल्ड जो मटेरियल्स होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, लोग वहाँ पे वो जो पब्लिक बीन्स हैं उनमें आके डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर पैक्स। पेपर पैक्स बेसिकली जो भी इंडिविजुअल हाउस से जो डस्ट बेसिकली जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास पेपर पैक्स होते हैं। बीन्स के साइज की अगर बात करें तो इन जनरल इंडिया में, जो इन जनरल अगर आप बात करते हैं तो 1/10 या फिर आप 0.1 क्यूबिक फीट के अराउंड जो है इतना पर कैपिटा वेस्ट जनरेट होता है, इससे लेके आपका 1/20 या 0.2 क्यूबिक फीट के अराउंड। इसलिए 5 मेंबर्स की एक फैमिली के लिए आपका या तो 0.5 क्यूबिक फीट या 5/10 या 0.5 क्यूबिक फीट के अराउंड का जो डस्टबिन है वो मोर देन इनफ है, ठीक है, अगर रेगुलरली उसको डिस्पोज किया जा रहा है तो। लेकिन अगर हर तीसरे दिन अगर उसको डिस्पोज किया जाता है तो भाई ×3 तो 1.5 to 2 क्यूबिक फीट का आपको डस्टबिन चाहिए है, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल लेवल पे चाहिए होता है, ठीक है। ये आपका हो गया स्टोरेज ऑफ वेस्ट, जो भी आपके हाउस होल्ड वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कलेक्शन। अब कलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है जो भी फंड्स अवेलेबल है किसी भी कंट्री के, तो कि किस तरीके से आप उस वो जो भी वेस्ट है उसको आप कैसे कलेक्ट करते हैं। वैसे जब द एनवायरमेंटल हाइजीन कमेटी 1949 की माने तो उन्होंने कहा है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो म्यूनसिपैलिटीज हैं या फिर जो वहाँ की लोकल बॉडीज हैं वो अरेंज करेंगी कलेक्शन ऑफ वेस्ट को, ठीक है। तो इसमें जब यहाँ मतलब बाकी अलग मेथड्स की बात करें तो फर्स्ट आपका आता है हाउस टू हाउस कलेक्शन। ये बेसिकली स्क्वेंजर्स से होता है, इंडिया में फॉलो नहीं होता। वैसे जो डेवलप्ड सिटीज हैं वहाँ पे अब हाउस टू हाउस कलेक्शन अभी होता है। उसके बाद होता है रिफ्यूज कलेक्शन व्हीकल्स, ठीक है। ये अलग अलग व्हीकल्स आते हैं जो म्युनिसिपैलिटीज बेसिकली जो चला रही हैं, दैट इज रिफ्यूज कलेक्शन व्हीकल्स। आपने अपने एरिया में देखा होगा म्युनिसिपल कमेटीज की गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, उनमें स्पेसिफिक एक रिकॉर्डिंग साउंड्स जो है वो बजती रहती है, तो आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, अपने बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपना जो वेस्ट होता है उसको उसमें डंप कर देते हैं। उसके बाद वो जो व्हीकल्स होते हैं वो चले जाते हैं। हाउस टू हाउस कलेक्शन भी प्रेजेंटली इंडिया में काफ़ी जगह पे है, पहले हाउस टू हाउस कलेक्शन नहीं होता था। उसके बाद आता है आपका डस्टलेस रिफ्यूज कलेक्टर्स। बेसिकली जो भी कलेक्टर्स होते हैं वो टोटली कवर्ड अप होते हैं, जी वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आ गया आपका, सबसे पहले स्टोरेज हो गया, अब उसका कलेक्शन कर लिया है, अब लास्ट में उसको डिस्पोज करना है। तो डिस्पोज में जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट आपका था डंपिंग, ठीक है। तो डंपिंग बेसिकली लो लाइंग एरियाज में करते हैं, ठीक है। जो भी ड्राई रिफ्यूज होता है उसको डंप कर दिया जाता है। कंट्रोल टिपिंग बेसिकली होता है, या फिर इसको आप सैनिटरी लैंड फिलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग फर्दर मेथड्स होते हैं, ट्रेंच मेथड होता है, रैंप होता है, एरिया मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिकली जो एरिया है वो डिसाइड होता है, और फिर उसके बाद आप उसमें जो भी आपका जो वेस्ट है उसको आपको उसको डंप करना होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर से लेयरिंग करनी होती है। इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे, ये अलग अलग मेथड्स हैं। उसके बाद इंसिनरेशन है। इंसिनरेटर्स आपको पता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हमने देखा था कि उसको जो भी वेस्ट होता है उसको बर्न आउट किया जाता है, उसके बाद उसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, एशेस बन जाती हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोसेसिंग कर देते हैं। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग, ठीक है। कंपोस्टिंग में जो मैन्योर बनाने के लिए जो हम कंपोस्ट खाद यूज करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मैथड्स बताए हैं। बेंगलोर मैथड एक मैकेनिकल कंपोस्टिंग है। फिर उसके बाद आता है मैन्योर पिट्स बनाई जाती हैं, जो भी आपका जो जैसे ऐसा वाला जो मटीरियल है जिससे मैन्योर बन सकती है, वेजिटेबल्स हैं आपके, पेपर्स हैं, या जो ऐसे जितने भी चीजें हैं उनसे उनको मैन्योर पिट्स में डाला जाता है, और फिर मैन्योर कलेक्ट किया जाता है। और फिर लास्टली आता है आपका ब्यूरियल मेथड। तो फर्स्ट आपका आता है डंपिंग, ठीक है। तो डंपिंग बेसिकली जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं, ठीक है, उनको बेसिकली रिक्लेमेशन ऑफ द एंड, बट मेनली एज द इजी मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राई रियूज। जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख रहे होंगे, जो भी ड्राई रियूज है उसको डंप कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे किया जाता है, बैक्टीरिया होता है, रिफ्यूज डिक्रीज हो जाता है, कंसिडरेबली जो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है एंड कन्वर्टेड ग्रेजुअली इंटू ह्यूमस, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो भी ड्रॉबैक्स इसकी ओपन डंपिंग की बात करें, तो जो फर्स्ट है तो रिफ्यूज इज एक्सपोज टू द फ्लाइज एंड रोडेंट्स, ठीक है। न्यूजियंस क्रिएट करते हैं, अनसाइटी अपियरेंस होती है, ठीक है। ये विंड से या के एक्शन से या वाटर अगर फ्लड आ गई है तो उससे पूरे के पूरे एरिया में स्प्रेड हो सकता है।
इसके अलावा जो ड्रेनेज फ्रॉम द डम्स कॉन्ट्रीब्यूट्स द पोल्यूशन ऑफ द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो WHO एक्सपर्ट कमेटी है 1967 ने कंडेम किया था कि अ मोस्ट इनसेनिटरी मैथड है ये, और ये पब्लिक हेल्थ हैजार्ड्स कॉज करता है, ठीक है। तो इसलिए डंपिंग मैथड इज अ नॉट गुड मैथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो हमने कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंड फिलिंग की बात की थी, ठीक है। तो कंट्रोल जो टिपिंग होती है या सैनिटरी लैंड फिल होती है, ये सेटिस्फैक्ट्री मेथड बोला जाता है रिफ्यूज डिस्पोजल के लिए, जहाँ पे भी हमारे पास सूटेबल लैंड अवेलेबल हो, ठीक है। ये नॉर्मल डंपिंग से डिफरेंट है। बेसिकली जो टर्म है ये मॉडिफाइड सैनिटरी लैंड फिल बोला जाता है रेदर देन आपका कंट्रोल टिपिंग, ठीक है। इसमें तीन मेथड्स हैं जैसे मैंने पहले बताया था। फर्स्ट आपका ट्रेंच मेथड आता है, जहाँ पे ये बेसिकली लेवल ग्राउंड इज अवेलेबल, द ट्रेंच मेथड इज यूजुअली चूजन, ठीक है। ये लॉन्ग ट्रेंच डग की जाती है, मतलब बेसिकली खोदी जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे कि आप एक बेसिकली एक ट्रेंच खोदने, मतलब बेसिकली जो ग्राउंड लेवल है उससे नीचे की तरफ खोदी जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें ये अराउंड 2 to 3 meters की या 6 to 10 feet की होती है, डीप होती है, और 4 to 12 meters के अराउंड वाइड होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकल कंडीशन जो भी वहाँ पे है। तो जो रिफ्यूज है उसको कॉम्पैक्ट करके वहाँ पे डिप किया जाता है, कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विद एक्सकेवेटेड, आपका जो भी मटीरियल आपने जो वहाँ पे इकट्ठी किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कवर अप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रैंप मेथड। रैंप मेथड बेसिकली जहाँ पे नॉर्मली ही रैंप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो टेरियंस होते हैं, जहाँ पे मॉडरेटली स्लोपिंग एरियाज होते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सकेवेशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज तो आपको ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली जो भी आपका मटीरियल है उसको आप यहाँ पे फिल करते हुए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एरिया मेथड। एरिया मेथड बेसिकली ग्राउंड लेवल के ऊपर किया जाता है इसमें, और जो आपका इससे पहले वाला जो ट्रेंच मेथड है, ट्रेंच में आपने बेसिकली एक एक्सकेवेशन किया था, ठीक है, और जो एरिया मेथड है उसमें आपके अबोव ग्राउंड लेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एज अ फ्लैट ग्राउंड और टेरियन इज अनसुटेबल फॉर एक्सकेवेशन ऑफ द ट्रेंचेस, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बिफोर एक्चुअल लैंड फिलिंग एन अर्दन लेवी इज कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट विच वेस्ट आर प्लेस्ड इन अ थिन लेयर एंड कॉम्पैक्टेड। उसके बाद जो थिकनेस ऑफ लेयर हम काउंट रखते हैं reaches a height of 200 to 300 centimeters, cover the material of 15 to 30 centimeter thickness is placed after each layer. A complete lift including the cover is called a cell. This method is used to dispose large amount of solid waste. So basically ये जो area method है वो हम normally use करते हैं जहाँ पे आपके पास depressions present नहीं है, मतलब कि आपके पास उसको एक्सकेवेशन आप प्रॉपर नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि केमिकल बैक्टीरियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस अकर्स इन द ब्यूरिड जो रिफ्यूज होते हैं, उससे क्या होता है कि टेम्परेचर राइज होता है ओवर 60 degrees Celsius विद इन 7 days, जिसकी वजह से जो भी पैथोजेंस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हास्टर द डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस है, देन इट टेक्स 2 to 3 weeks टू कूल डाउन, ठीक है। फर्स्ट टेम्परेचर राइज होगा, उसके बाद धीरे धीरे कूल डाउन होगा। नॉर्मली टेक 4 to 6 months for the complete decomposition of the organic matter into innocuous mass, and the tipping of the refuse in water should not be done as it create nuisance from order given off by the decomposition or organic matter, ठीक है। तो जो ये जो method है control tipping का, it has been revolutionized by machinization, ठीक है। तो ये आपका हो गया control tipping। नेक्स्ट आता है आपका इंसिनरेशन, ठीक है। इंसिनरेशन आपको पता ही है, इससे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भी आप इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जो भी आपका मटेरियल्स होता है उनको आप कंट्रोल्ड कंडीशंस में आप उसको बर्न करते हैं, उसके बाद वो एशेज में या कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसको प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है, बेसिकली कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ भी कंपोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। ये प्रोसेस है नेचर का वेयर बाय ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक्स डाउन अंडर बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिवली स्टेबल ह्यूमस लाइक मटेरियल, ठीक है, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिकली जो प्रिंसिपल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर होता है और हीट होता है, ठीक है। हीट जो कंपोस्टिंग की ड्यूरेशन में जो बनती है वो अप्रोक्सीमेटेड अबाउट 60 degrees Celsius या फिर हाइयर, इससे ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन या फिर जो भी मटेरियल हमने कंपोस्टिंग के लिए चूज किया है।
ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसमें जो एग और लार्वा जो भी फ्लाइज के या फिर बीड सीड्स होते हैं, पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट होता है कंपोस्ट हमारा, इट कंटेन्स फ्यू और नॉन डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ये सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, तो इनको हम इजिली जो मेन्योर है उसकी तरह हम यूज कर सकते हैं। दो वो इसके मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आपका बेंगलोर मेथड है, इसको एनारोबिक मेथड भी बोलते हैं। ये बेसिकली एलन आचार्य 1937 ने बेंगलोर में दिया था या फर्स्ट टाइम वहाँ यूज हुआ था, तो इसलिए इसको बेंगलोर मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये मेथड ओवरकम मैनी ऑफ द डिसवांटेजेस ऑफ द इंदौर मेथड, जो दूसरा वाला प्रोसीजर है एनारोबिक है, ये एलिमिनेट करता है बेसिकली नेसेसिटी ऑफ टर्निंग अप ऑफ द मटीरियल एज कंपोस्टिंग इज डन इन ट्रेंचेस। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटेड 4 to 6 month लेता है बेंगलोर मेथड। इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, इसमें ट्रेंचेस डग किए जाते हैं 3 feet के अराउंड डीप एंड 1.5 to 2.5 meter के अराउंड ब्रॉड और 15 to 30 meters इतना लॉन्ग एक हम डग करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट, जितना हमारे पास रिफ्यूज है या जितना हमारे पास वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसने कहा है कि डेप्थ ग्रेटर देन 3 feet आर नॉट रिकमेंडेड क्योंकि ये डिकम्पोजिशन को स्लो डाउन कर देता है, क्यों हमें उसको एनहेंस करना है कि वो फटाफट से मेन्योर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए ये जो स्पेसिफिक आपने बताई है कि ये जो डायमेंशंस होती है इतना ही उसको बनाना होता है। विद इन 7 days एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन कंसीडरेबल हीट इज जनरेटेड इन टू द कंपोस्ट मास, जिसकी वजह से ये जो इंटेंस हीट जो उसमें जनरेट होती है ये 2 to 3 weeks तक एज इट इज बनी रहती है। ठीक है, दिस इंटेंस हीट विच परसिस्ट ओवर 2 to 3 weeks सर्व टू द डीकम्पोज द रिफ्यूज एंड द नाइट सॉइल। और इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे किल हो जाते हैं, और इसका एंड 4 to 6 month में होता है। लास्टली जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज डीकम्पोज्ड ऑर्डरलेस इनोक्यूस मटेरियल एंड हाई मैन्योर लेवल इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैकेनिकल कंपोस्टिंग। मैकेनिकल कंपोस्टिंग में क्या करते हैं हम, बेसिकली जो भी ये लार्जर स्केल्स पे होता है जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको, जो भी रैग्स हैं, बोन्स हैं, ठीक है, इनको और जो नॉर्मल रहता है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। मतलब बेसिकली पहले सेपरेट करना है जो भी हमारा वेस्ट है उसमें, फिर उसके बाद में इनको जो भी है ये पल्वराइज किया जाता है, पल्वराइजिंग जो इक्विपमेंट होता है उसमें, फिर उसके बाद ये जो रिफ्यूज है उसको मिक्स किया जाता है सीवेज और स्लज और नाइट सॉइल के साथ रोटेटिंग मशीन में। ठीक है, फिर उसके बाद इसको 4 to 6 weeks के अराउंड का टाइम लगता है इन टोटल आपका कंपोस्टिंग में। ठीक है, 4 to 6 weeks या जैसे यहाँ पे भी 2 weeks के अराउंड भी लिखा हुआ है, जो आप इसमें देख रहे हैं ना कि होमोजेनाइज्ड मिक्सचर आपने क्रिएट कर दिया उसके बाद आप इसकी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैकेनिकल कंपोस्टिंग। लास्ट में आता है आपका मैन्योर पिट्स। मैन्योर पिट्स बेसिकली जो रूरल एरियाज हैं इंडिया में वहाँ पे यूज होता है, जैसे आपके सब्जेक्ट में लिखा हुआ है किस तरीके से डिस्पोज करते हैं आप अर्बन में और रूरल में, तो मैन्योर पिट्स बेसिकली आपके रूरल एरियाज में चलता है जहाँ पे कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ जो भी आपका बेसिकली एक जो सीक्वेंस होता है स्टोरेज का, कलेक्शन का, फिर डिस्पोजल का, जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो भी रिफ्यूज होता है उसको घर के आस पास जो भी एरिया है जो भी प्रेजेंट है वहां पे उसको डिस्पोज कर दिया जाता है या फिर थ्रोन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है रिफ्यूज डिस्पोजल में रूरल एरिया में, उसमें आप डिग कर देते हैं वहां पे मैन्योर पिट्स बना देते हैं, उसके बाद जो भी मटेरियल है जैसे यहाँ पे एक मैन्योर पिट दिखाई दी है, वहां धीरे धीरे आप उसको डिस्पोज कर दे जाते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो भी है द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्यूज डिस्पोजल इन रूरल एरिया, आपने मैन्योर जो पिट्स हैं उनको डिगिंग कर दी है, इंडिविजुअल हाउस होल्डर्स की अलग अलग पिट्स होती हैं, इसमें वो गार्बेज है, कैटल डंग है, स्ट्रॉज हैं, लीव्स हैं, इन सबको धीरे धीरे डिप करते हुए जाते हैं, एंड लास्टली उसको जो भी डेली का है उसके बाद उसको कवर अप कर देते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 5 to 6 month के टाइम में ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वापस से इसको जो जो भी उनके फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनमें डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका मैन्योर पिट्स हो गया। और लास्टली आता है ब्यूरियल। ब्यूरियल में बेसिकली ये छोटे छोटे जो कैंप्स होते हैं वहाँ के लिए ये ठीक है, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 meter वाइड और 2 meter डीप के अराउंड एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन मतलब जो भी जमीन से उसको खोद देते हैं हम, एंड एट द एंड ऑफ ईच डे द रिफ्यूज इज कवर्ड विद 20 to 30 centimeter ऑफ अर्थ। वेन द लेवल ऑफ द ट्रेंच रीचेज इज 40 centimeter फ्रॉम ग्राउंड लेवल द ट्रेंच इज फिल्ड विद द अर्थ एंड कॉम्पैक्टेड एंड न्यू ट्रेंच इज डग। ठीक है, तो ये बेसिकली
बेसिकली जहाँ पे भी वेस्ट डिस्पोजल डेली बेसिस पे होता है, छोटे स्मॉल जैसे कैंप्स में जाते हैं, वहाँ का जो रिफ्यूज आपको डिस्पोज करना होता है वो आप ब्यूरियल मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने डग किया हुआ है, उसके बाद सारा मटीरियल आपने डाला है, आउट किया हुआ है, लेकिन इन जनरल बर्न नहीं करते हैं, नॉर्मल वेस्ट को एज इट इज डंप कर देते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर से लेयर कर देते हैं डेली। तो इस तरीके से आप इस वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो। ये आपका था सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना।